फ्रिज खुला छोड़ के आया है, जा बंद करो, क्या आवाज कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बना रही हूँ चावल फ्राई राइस। मैं बना रही हूँ नाश्ते में मटर, गोभी का और धनिया का पत्ता, ये सब डाल करके सिंपल सा बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगता है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं बच्चों के लिए। यहाँ पर बगल में यहाँ पर देख सकते हैं मधुमक्खी का छाता लगा हुआ था। बहुत दिनों से, 3-4 साल से मैं देख रही थी बगल वाले बिल्डिंग में मधुमक्खी का छाता लगा हुआ था, तो इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि वो घर वाले जो हैं वो कभी बालकनी में नहीं आते, वो डर से, काटने का डर है, बच्चे लोग हैं घर में अंदर जाने का डर है, तो वो लोग कभी आते ही नहीं। मैं तो कभी देखी ही नहीं हूँ कि वो लोग कभी बालकनी में आ कर के थोड़ा सा घूमे फिरे, कुछ सफाई करे, आते ही नहीं है डर के मारे। तो यहाँ पर बुलाया गया है तो वही यहाँ पर आ कर के वो मधुमक्खी का जो छाता मतलब कि हटाते हैं, वो आए हुए हैं और उसको निकाल रहे हैं। कुछ पौधा में से जला करके धुआं कर करके उसको पहले रख दिया गया था, उसके बाद में वो सारे मधुमक्खी हट गए, मतलब हटे भी नहीं है, देखिए वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे उड़ रहा है, मतलब वहीं पे है। और हम लोग को आकर के पहले ही बोल दिया गया था कि आप लोग प्लीज़ दरवाज़ा खिड़की ये सब बंद करके रखिए, नहीं तो मधुमक्खी आने का डर है, घर में घुस जाएंगे, काटने का डर है, और उड़ने के बाद में तो दूर दूर तक वो मधुमक्खी फैल जाते हैं, बहुत ही ख़तरनाक रहता है, और काटने के बाद में तो पता ही चल जाता है, बाप रे। तो इसीलिए हम लोग भी बंद कर लिए हैं डर के मारे। और बगल वाले ही बिल्डिंग में ही है, सामने ही है, और वो आदमी को देखिए कुछ भी नहीं मतलब कि पहने हुए हैं, सिर्फ अपना कपड़ा है और ना मतलब कि कुछ है। और मधुमक्खी का छाता देखिए, मतलब कि ये मध निकाल रहे हैं उसमें से, हाथों से अपना अपना कुछ प्रोटेक्ट किए होंगे, लगाए होंगे, मुझे तो नहीं मालूम है। तो मुझे तो देख कर के बहुत ही डर लग रहा था, अजीब लग रहा था, ये कैसे कर ले रहे हैं, उसमें बाल्टी में अपना ऊपर से ला कर के उसमें मध निकाल रहे हैं, बाकी जिसको लेना होगा उसको बेच देते होंगे। और तो ये देखिए कृष्णा बेबी देख कर के उसको भी विश्वास नहीं हो रहा है, क्या है मम्मा पहली बार देख रहा है वो, मैं भी पहली बार देख रही हूँ कि मधुमक्खी का छाता को इस तरह से हटाया जाता है और उसमें से मध निकाला जाता है, तो मुझे भी नहीं मालूम था, मतलब देखी नहीं थी कभी। तो ये हाथ से देखिए, बाप रे, मधुमक्खी को निकाल रहे हैं वो दीवार में जितना वो चिपका हुआ है, मध निकल गया है पूरा टोटल। उनका बालकनी भी देखिएगा, पूरा मधुमक्खी से भरा पड़ा हुआ है, ये देखिए। कृष्णा बेबी मटर छील रहा है, ये देखिए, उसको मटर छीलना बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी मैं मटर छीलने के लिए बैठती हूँ वो बोलता है कि मैं भी मटर छीलूँगा मम्मा, तो मैं तो देती नहीं हूँ, लेकिन वो जिद करने लगता है, रोने लगता है, इसीलिए बोलते हैं कि ठीक है तुम भी थोड़ा कर लो, तुम्हारा भी मन मान जाएगा, तो इसीलिए कर रहा है। बदमाशी भी कम हो जाता है, थोड़ा उसमें लग जाता है तो उसका 5-10 मिनट बदमाशी भी कम हो जाता है, उसके बाद तो उसका बदमाशी स्टार्ट ही रहता है। तो ये देखिए, और बोल रहा है अपने डैडी को भी जिद कर रहा है कि आप भी मटर छीलिए मेरे साथ, मैं तो अभी खाना बना रही थी, मतलब कि काम कर रही हूँ दूसरा, तो इसीलिए मैं नहीं कर पाई हूँ। और उन्हीं को जिद करके वो भी बोल रहा है मटर छीलिए, तो वो भी हेल्प कर रहा है कृष्णा बेबी का मटर छीलने में, बैठा है स्टाइल में, देखिए स्टाइल में बैठा हुआ है, हाय बोल रहा है आप लोगों को कि हेलो फ्रेंड्स सभी को, टीवी देखकर मटर छिल रहा है। और यहाँ पे फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, यहाँ पे सुबह हो चुकी है,
मैं जा रही हूँ सारे रूम का बिस्तर को सरियाने के लिए, समेटने के लिए। तो यहाँ पर सो करके हम लोग उठ गए हैं। अभी सारा कपड़ा घर का बिखरा पड़ा हुआ है बेड बिस्तर पे, ये देखिए। हम लोग कंबल ओढ़ के ही सोते हैं, फैन तो चलते ही रहता है लेकिन मतलब कि ओढ़ के सोते हैं। तो कृष्णा बेबी तो ओढ़ता भी नहीं है, बीच बीच में हम लोग ओढ़ाते हैं वो तो उघाड़ करके ऐसे फेंक देता है। तो मैं यहाँ पे फटाफट कर ले रही हूँ। मैं बिस्तर पे कंबल को नहीं रखती हूँ क्योंकि कृष्णा बेबी इधर से उधर फेंकने लगता है, बदमाशी करता है, तो मैं इसको कबर्ड में ही रखती हूँ। तो यहाँ पर देखिए वो सैतानी भी कर रहा है, तकिया इधर से उधर, परेशान बहुत करता है। तो मैं यहाँ पे फटाफट सब कुछ कर ले रही हूँ। बेडशीट को मैं निकालूंगी नहीं आज फ्रेंड्स, क्योंकि मैं 2 दिन पहले ही बिछाई हूँ और गंदा नहीं हुआ है। तकिया का कवर भी मैं 1-2 दिन पहले ही लगाई थी टोटल, तो वो भी अभी ठीक है, साफ़ सुथरा है, गंदा नहीं है। तो वो भी मैं नहीं निकालूंगी, मैं इसी तरह झाड़ लूँगी और उसको लगा दूँगी। अभी तो देखिए मेरा फटाफट हो रहा है सब कुछ, तो देखते रहिए। तो मैं जा रही हूँ अब झाड़ू लगाने के लिए। मैं पूरे घर को अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी फटाफट। कृष्णा बेबी भी खेल रहा है आगे पीछे घूम करके। मैं उसको बोल रही थी कि साइड होने के लिए, तो वो बोल रहा है नहीं मम्मा मैं यहीं पर खेलूँगा, तो वो खेल रहा है। मेरे हस्बैंड भी उठ गए हैं सो करके, वो ऑफिस का काम कर रहे हैं अभी। मैं यहाँ पर सारा टोटल अपना घर का काम कर ले रही हूँ, तो यही यहाँ पे कर रहे हूँ। और अभी मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा नहीं है, धूप निकल चुका है, बाहर मौसम अच्छा है। तो फ्रेंड्स मैं सुबह उठती हूँ तो ऐसे ही अपना डेली मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है काम करने का, बिस्तर को ठीक से जगह पे लगाना, उसके बाद झाड़ू करना, बाकी साफ़ सफाई जो रहता है, धूल मिट्टी जो डेली उड़ के मतलब कि पड़ जाते हैं वो सबको सटाना, बच्चे को देखभाल करना, ये तो हर औरत का काम होता है, घर को संभालना तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैं फटाफट कर ले रही हूँ और अभी खाना भी बनाना बाकी है। सिंपल सा ही खाना मैं बनाऊँगी आज, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और अभी तो हम लोग घूमने भी कहीं बाहर में नहीं जाते हैं कोरोना की वजह से, मतलब जा सकते हैं लेकिन जाने में मन नहीं करता है। अब पहले मन करता था कहीं जा कर के हम लोग घूमे फिरे तो अच्छा लगता था, अब अगल बगल में हम लोग घूम लेते हैं
और बाकी दूर दूर तो मतलब जाने के लिए सोचना पड़ता है आदमी को, कहीं जाए घूमने के लिए तो नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। और छोटा बच्चा भी है, कहीं दूर आना जाना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए सारा दिन घर में ही निकल जाता है, काम हो जा काम धंधा रहता है, उसके बाद दोपहर में आराम भी कर लेते हैं हम लोग, तो जाना नहीं होता है कहीं पर। और यहाँ पर देखिए सारा सामान कृष्णा बेबी सब बिखेर के रखा हुआ है, और अपना कैसे जुगाड़ करके अपना उसमें खेल रहा है, और वो नहा लिया है, उसको नहला दिए हैं और कपड़ा चेंज कर दिए हैं। तो आज मतलब कि उसको मैं सोची कि आज पजामा कुर्ता पहना दे रही हूँ, तो आज येलो में उसको मैं पहना दी हूँ। हाँ मैं पहनी हूँ आज ब्लैक में साड़ी। फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है ये साड़ी। ये देखिए, और कृष्णा बेबी का मैं ये कपड़ा ली थी, 1-2 महीना हो गया है, तो आज मैं सोची कि इसको पहना देती हूँ, क्योंकि घर में पहनेगा नहीं तो वो छोटा हो जाएगा। ऐसे तो फेस्टिवल में पहनाती हूँ, लेकिन अभी टाइम है तो सोची कि घर में पहना देती हूँ, और इसीलिए। और ये देखिए उसका नटखटी स्टार्ट हो गया है, ऊपर नीचे करते रहता है ऐसे ही वो कृष्णा बेबी। मैं अपना यहाँ पर फटाफट लगी हुई हूँ, और तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, और देखते रहिए पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो मैं जा रही हूँ किचन से पानी लेती हूँ डेली, और बालकनी में फेंकती हूँ पानी, क्योंकि बालकनी धूल मिट्टी से गंदा हो जाता है। और झाड़ू तो लगाती हूँ, लेकिन ऐसे डेली मैं पानी फेंक देती हूँ, 1-2 दिन पे झाड़ू भी लगा देती हूँ, क्योंकि कबूतर आता है कभी कभी तो गंदा करके चला जाता है, तो इसीलिए तो ऐसे डेली करना पड़ता है। झाड़ू लगाने के बाद मैं डेली पानी को फेंक देती हूँ, तो ये साफ़ हो जाता है, पोछा लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ऐसे ही साफ़ हो जाता है। पानी 2-3 बाल्टी फेंक देती हूँ पीछे वाले बालकनी में भी, आगे वाले बालकनी में भी, ऐसे ही डेली करना पड़ता है। और ये देखिए कृष्णा भी बोल रहा है कि मैं भी मम्मा का हेल्प करूँगा, वो भी ऐसे ही करता है, जिद करता है। अब देखिए पानी में जा कर के वो छिप छिप खेल रहा है, बच्चा लोग को तो अच्छा लगता ही है। तो चलिए मैं फटाफट कर ले रही हूँ फ्रेंड्स।
अपना पानी का बॉटल उठा करके पानी से खेलता है, उसको बेचता है पानी। मत करो फाइटिंग, मत करो बॉटल बॉटल। ताकत है तुम्हारे में। आलू का सब्जी बन चुका है मेरा, ये देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है। उसमें ज्यादा नहीं चलाऊंगी, गोभी टूट जाएगा। मैं हल्का पानी डाल दे रही हूँ। गोभी तो सीख गया, मतलब पूरा ही पक गया ना गोभी। अच्छा ठीक है, रुक जाए एक सेकंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इस टाइप से मैं लगा करके रखती हूँ। उस दिन पता नहीं कृष्णा बेबी से गलती से मिस्टेक हो गया, तो मेरा यहाँ छोटा सा गमला में मैं ये वाला लगाई थी तो वो टूट गया। इसको मैं मंगाई थी फ्लिपकार्ट से, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। रेड कलर का है इसका पत्ता का फूल और ग्रीन कलर का है बड़ा बड़ा पत्ता है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखते हैं इसको कैसे मतलब कि टूट गया। ब्लॉग्स आप सभी को मेरे चैनल पर बहुत ही स्वागत है। अभी टाइम हो गया 12 बज चुके हैं, मैं सारा काम कर रही हूँ घर का सारा। कृष्णा बेबी देखिए शैतानी कर रहा है, तकिया इधर से उधर फेंक रहा है, बदमाशी कर रहा है, वैसे ही खेलता है। वो भी नहा लिया है आज, उसको मॉर्निंग में नहा दी हूँ, तो सारा टोटल काम हो चुका है। तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जाएगी। अब मैं मिलूंगी अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और सेफ रहिए।